आपकी आ गई है डेट पास, सुन लो मेरी इंपॉर्टेंट बात। राजस्थान जूनियर इंजीनियर ये करोगे तो 100% बनोगे। स्टूडेंट मुझे बार बार फोन कर मैसेज कर व्हाट्सएप कर ये बोल रहे हैं कि सर स्ट्रेटेजी बताओ। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ऐसी मैं कई सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा जो कि आपको मोटिवेट करेंगी आपकी फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं जो आपके साथ देखने वाला हूं वो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिग्री और डिप्लोमा में। मैं बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की, जो कि 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को इस बार शेड्यूल हो चुका है। 2020 में ये एग्जाम होगा 5th एंड 6th दिसंबर को। तो इसके जो सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हो, ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स में डिग्री में 10 क्वेश्चन आएंगे एंड डिप्लोमा में भी 10 क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो तैयारी है वो इसके हिसाब से प्रपोर्शन हो जानी चाहिए। अगर मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 8 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस डिप्लोमा। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन में 5 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस इन डिप्लोमा। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 8 क्वेश्चंस इन डिग्री एंड 10 क्वेश्चंस इन डिप्लोमा। स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 एंड NIL। डिप्लोमा में स्ट्रक्चर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है एंड डिग्री में भी बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन आता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पर टाइम कम लगाइएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यहां पर 10 क्वेश्चन आएंगे डिग्री में और डिप्लोमा में सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन में पर्ट और सीपीएम के क्वेश्चन भी होंगे डिग्री में, वेयर एज डिप्लोमा में पर्ट सीपीएम का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, बट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के होंगे क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स में यहां पर आएंगे 8 क्वेश्चंस और यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पूछा जाएगा, यानी कि डिप्लोमा में एक भी क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का नहीं होता, डिग्री में होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन। स्टील स्ट्रक्चर्स 5 क्वेश्चंस, यहां पर स्टील स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी, डिप्लोमा में एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोलॉजी 5 क्वेश्चंस एंड हेयर ऑल्सो 5 क्वेश्चंस। सर्विंग 8 क्वेश्चंस इन डिग्री एंड 10 क्वेश्चंस इन डिप्लोमा। सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा के लिए। आरसीसी 5 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस इन डिप्लोमा। ऑटोकैड के दोनों तरफ 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे और जीके के 40 एंड 40 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस होंगे जीके के और 80 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल। तो ये मैंने पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, 100% है ये। हालांकि आरएसएम एसएसबी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जैसे ही जारी होगा मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताऊंगा, बट तब तक के लिए आप इसके साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। पॉइंट टू बी नोटेड, राजस्थान के जूनियर इंजीनियर में एनवायरमेंट और हाईवे इंजीनियरिंग नहीं है। नो, आपको एनवायरमेंट और हाईवे इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करनी अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आप डिप्लोमा में हैं तब भी आपको ना तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, ना आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है और ना आपको पर्ट सीपीएम पढ़ना है। तो ये आप नोट कर लो, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि सर कैसे तैयारी करूं, कहां से तैयारी करूं? तो देखो, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉपर डिवाइज्ड मैकेनिज्म है जो कि सिज प्लस ने बनाया है। That name is RSM SSB JE Wholesome Diet Pack। इसमें recorded lectures रहेंगे, जिसमें online lectures होंगे सारे। So there is a full course। ये 4 aspects इस Wholesome Diet Pack में मिलेंगे, जो कि आप sizplus.com पर जाकर checkout कर सकते हैं, sizplus.com। इसमें आपको online video lectures मिलेंगे recorded। हर lecture के नीचे एक doubt portal रहेगा, आप वहां पर डाउट अपना पोस्ट कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स मैं या मेरी फैकल्टी आपको रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा जीके भी इंक्लूडेड है इसमें, नॉन टेक्निकल के राजस्थान जीके के भी लेक्चर्स इसी पैक में होंगे। ये होलसम पैक है, सब कुछ है इसमें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ अवेलेबल हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी फुल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है।
तो जब तक आप जैसे ये लेक्चर्स पढ़ेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, उसके साथ ही आप सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप ये फुल टेस्ट करते हो तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा लाइव डाउट सेशंस रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल भी हम आपके साथ अब शेयर करेंगे। इस कंप्लीट पैक से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप इट हेल्प्स। ऐसी वीडियो के साथ हम बार बार आते रहेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।